आप ये 32 की बात सरकार कर रही थी, लेकिन अब 60-40 वाली नीति लेकर आई है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार का मनसूबा कभी भी साफ नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि हर समय इनका स्टैंड कहीं ना कहीं बदलते रहा। एक तरफ 1932 की भी बात कर रहे थे, और जब हम लोग बोले कि आप किस नियोजन नीति को मान रहे, फिलहाल आप 1932 की बात कर रहे और 3 साल पार कर दिए, अब किसी तरह बहाली नहीं ले रहे हैं। तो इन्होंने विधानसभा में कई माननीय सदस्यों को उत्तर दिया, मुझे भी मिला, कि जो रघुवर जी की जो सरकार ने नियोजन नीति लागू की थी 2016 का, वही राज्य में कायम है और आप उसके आधार पर बहाली भी नहीं लिए। और आप प्रत्येक दिन बोल रहे हैं 32 लाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, कभी नहीं कहा कि आप 1932 मत लाइए। आप राजहित में जो फैसला हो, जो यहाँ के युवाओं के हित में हो, आप वो सारे फैसले लीजिए जो यहाँ के लोगों को नियोजन मिल सके। सरकार कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है, और सरकार को यहाँ के युवाओं से, यहाँ से बेरोजगार युवक युवती, बेरोजगार जो मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। आप देखे होंगे कि 75% इन्होंने आरक्षण की भी बात कही लास्ट में, कि जितने भी हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, मैं 75% यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित करूँगा। कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। मैं खुद मांडू विधानसभा से आता हूँ, वहाँ सैकड़ों आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं जहाँ पर ये नियम का फॉलो नहीं कर रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वह DMO हो, चाहे इंडस्ट्री ऑफिसर हो, चाहे DC हो, चाहे SP हो, सिर्फ लूट खसोट में लगे हुए हैं। कैसे हम अवैध माइनिंग करें, हम कैसे बालू की तस्करी करवाएं, कोयले की तस्करी कराएं, लोहे की तस्करी कराएं, इन चीज़ों पर लगे हुए हैं। सब कुछ तो कह रही है कि सदन में आप चर्चा नहीं करते हैं, इसमें नहीं। देखिए, आज आपको समझना होगा कि आप तर्क संगत कभी आप विषय को लाए नहीं। आप 1932 पास कराने के लिए आप सदन में लाए थे, और सदन में सर्वसम्मत से पास कर दिया, और फिर आपने सदन की अवमानना की, आपने कैबिनेट से अलग फैसला ले लिया। तो आपकी नीति और नियत दोनों गलत है। आप आज यही स्पीकर हैं, यही मुख्यमंत्री हैं, जो 2015 से 19 तक एक दिन भी सदन नियोजन नीति CNT SP Act पर नहीं चलने दिया था। आज यही स्पीकर, आज सदन जब आपका क्या बोलते हैं, सही से सुचारू नहीं है, फिर भी ये सदन को हांक रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी संरक्षण नहीं दे रहे लोगों को, और सदन में भी स्पीकर विपक्ष को संरक्षण देने का काम नहीं कर रहे। विपक्ष चाहता है बीजेपी किस तरह, निश्चित रूप से ऐसा एक नियोजन नीति बने। कैसा? अरे भाई, जो राजहित में हो, आप तो हर बार ये ला रहे हैं, आप लड़वाने का काम कर रहे, आप कह रहे हैं 32 लाइए, तो 32 में हम लोग कहाँ विरोध किए, आप उसको भी नहीं लागू किए। इसीलिए एक ऐसा निर्णय लेने से पहले विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए जिसमें सभी दल के लोग शामिल होते, और उस जो निर्णय निकलता जो राज्य के हित में होता, वैसा निर्णय लिया जाना चाहिए।